सी टेट 2022 में अब अप्लाई करने वाले अभ्यर्थी नहीं दे पाएंगे यूपी में एग्ज़ाम। साथियों, हम आपको बता दें कि सीबीएसई की ओर से दिसंबर में होने वाली सी टेट 2022 की परीक्षा के लिए अब आवेदन करने वाले परीक्षार्थी उत्तर प्रदेश में परीक्षा नहीं दे पाएंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत की पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, सी टेट 2022 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए, इस वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन के टर्न को सेलेक्ट कर लें, जिससे इस तरह गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, हम आपको बता दें कि सीबीएसई की ओर से दिसंबर में होने वाली सी टेट 2022 की परीक्षा के लिए जो आवेदन प्रक्रिया चल रही थी, उसमें जो अब आवेदन करने वाले परीक्षार्थी हैं और वो उत्तर प्रदेश यानी यूपी में सेंटर चाहते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो उन्हें अब नहीं मिल पाएगा। तो हम आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीईटी के लिए 31 अक्टूबर से आवेदन शुरू हुए थे और आवेदन की अंतिम तिथि 24 नवंबर रखी गई थी। तो आज जैसे कि 23 नवंबर है और कल 24 नवंबर, तो 2 दिन बचे हुए हैं और इसमें जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है तो उनको तो जो चॉइस के सेंटर हैं वो मिल गए हैं। लेकिन अब जो लास्ट डेट में अप्लाई करना चाहते हैं और वो यूपी में अगर सेंटर चाहते हैं तो उन्हें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसकी वजह है, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लगभग सभी 21 जो सेंटर थे और उनके जो कुल सीटें थीं 5,02,748, वो फुल हो चुकी हैं और वहाँ पर आपको चॉइस का एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिल पाएगा सीटें फुल होने की वजह से। तो हम आपको बता दें कि अब जो भी कैंडिडेट हैं और वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उन्हें दिल्ली के एग्ज़ाम सेंटर चुनना होगा। तो हम आपको बता दें कि जहाँ पे दिल्ली पर जो दिल्ली सेंटर है वहाँ पर अभी 1,01,687 सीटें उपलब्ध हैं, जिससे जो कैंडिडेट हैं उनको दिल्ली में जाकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। साथियों, हम आपको बता दें कि सीबीएसई की ओर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बिजनौर, आगरा, मुरादाबाद, बरेली को सेंटर बनाया गया था, जिनमें मेरठ में 38,456, गाजियाबाद में 41,690, नोएडा में 11,996, बिजनौर में 3,802 और आगरा में 24,363, मुरादाबाद में 7,638, बरेली में 15,317 परीक्षार्थियों की सीटें निर्धारित की गई थी एग्ज़ाम के लिए। अंतिम तिथि यानी 24 नवंबर से पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के 21 केंद्रों की 5,02,748 सीटें फुल हो गई हैं। अब आवेदक परीक्षा उत्तर प्रदेश में परीक्षा केंद्र नहीं चुन पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आवेदक अब दिल्ली के परीक्षा केंद्र चुनने को मजबूर हैं। यहाँ 2,65,915 सीटों के सापेक्ष अभी 1,01,687 सीटें शेष हैं। तो साथियों, उत्तर प्रदेश और आसपास के जो भी कैंडिडेट्स हैं और कुछ सी टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो अभी अप्लाई कर सकते हैं और दिल्ली के एग्ज़ाम सेंटर अभी चूज कर सकते हैं अपनी चॉइस ग्रुप में। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, जिससे कि इस तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय से मिल सकें।